नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जिसका अपडेट मैंने बहुत पहले अपलोड किया था उज्बेकिस्तान के लिए, उज्बेकिस्तान रशिया के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक ऑयल सेक्टर की कंपनी है जिसमें कई सारी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, उसका अपडेट्स मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। मैं वैकेंसीज जो है वैकेंसीज काफ़ी मात्रा में है और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 1 ईयर प्लस रिन्यूअल होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वैकेंसी पे काम काफ़ी फास्ट होने वाला है। ऑफिस की तरफ से गाइडेंस आया कि 60 वर्किंग डेज में इसमें वीज़ा आ जाएगा। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर महीने में वीज़ा जाएगा और जनवरी में फ्लाइट हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, उज्बेकिस्तान के लिए काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था और उन जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर में मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 15 लोगों की आवश्यकता है। इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, 15 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 2000 USD जो कि 1,46,525 रुपये के बराबर है इंडियन करेंसी में। सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 35 लोगों की आवश्यकता है। मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर में 25 लोगों की आवश्यकता है, 35 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1500 USD जो कि इंडियन करेंसी में 1,09,894 रुपये के बराबर है। सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर में 10 लोगों की आवश्यकता है, सेफ्टी इंजीनियर 10 लोगों की आवश्यकता, सैलरी होगी 1500 USD जो कि इंडियन करेंसी में 1,09,894 रुपये के बराबर है। सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, 5 लोगों की आवश्यकता, सेफ्टी ऑफिसर 5 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1500 USD जो कि इंडियन करेंसी में 1,09,894 रुपये के बराबर है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर में 10 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1,150 USD जो कि इंडियन करेंसी में 84,262 रुपये के बराबर है। इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 900 USD जो कि इंडियन करेंसी में 65,960 रुपये के बराबर है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की आवश्यकता है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 950 USD जो कि इंडियन करेंसी में 69,624 रुपये के बराबर है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर की रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट फिटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 950 USD जो कि इंडियन करेंसी में 69,624 रुपये के बराबर है। पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है, पाइप फिटर में 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 900 USD जो कि इंडियन करेंसी में 65,960 रुपये के बराबर है। पाइप फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 30 लोगों की आवश्यकता, पाइप फैब्रिकेटर 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 900 USD जो कि इंडियन करेंसी में 65,960 रुपये के बराबर है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर एंड फिटर की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर एंड फिटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 35 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 950 USD जो कि इंडियन करेंसी में 69,624 रुपये के बराबर है। वेल्डर्स में GTAW वेल्डर, SMAW वेल्डर, SFCAW वेल्डर, GTAW वेल्डर मिस GTAW वेल्डर, SMAW वेल्डर, FCAW वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 45 लोगों की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी $1,100 जो कि इंडियन करेंसी में 80,618 रुपये के बराबर है। 2G एंड 3G वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 25 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी $950 जो कि इंडियन करेंसी में 69,624 के बराबर है। प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 850 USD जो कि इंडियन करेंसी में 62,295 रुपये के बराबर है। रेगर की रिक्वायरमेंट है, 25 लोगों की आवश्यकता, रेगर में 25 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 750 USD जो कि इंडियन करेंसी में 54,966 रुपये के बराबर है। स्टोरकीपर, स्टोरकीपर में 8 लोगों की आवश्यकता है, स्टोरकीपर 8 लोगों की आवश्यकता। सैलरी होगी 1200 USD जो कि इंडियन करेंसी में 87,946 रुपये के बराबर है। JCB ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, JCB ऑपरेटर 5 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1100 USD जो कि इंडियन करेंसी में 80,618 रुपये के बराबर है। एग्जीबिटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1100 USD जो कि इंडियन करेंसी में 80,618 रुपये के बराबर है। लोडर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1100 USD जो कि इंडियन करेंसी में 80,618 रुपये के बराबर है। टावर क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1100 USD जो कि इंडियन करेंसी में 80,618 रुपये के बराबर है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1100 USD जो कि इंडियन करेंसी में 80,618 रुपये के बराबर है। क्रॉलर क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1100 USD जो कि इंडियन करेंसी में 80,618 रुपये के बराबर है।
ग्राइंडर की रिक्वायरमेंट है 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 750 USD जो कि इंडियन करेंसी में 54,966 रुपए के बराबर है। स्काफोल्डर की रिक्वायरमेंट है 15 लोगों की आवश्यकता है। स्काफोल्डर 15 लोगों की आवश्यकता, सैलरी होगी 800 USD जो कि इंडियन करेंसी में 58,624 रुपए के बराबर है। गेस्ट कटर की रिक्वायरमेंट है 15 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 800 USD जो कि इंडियन करेंसी में 58,624 रुपए के बराबर है। मैकेनिकल हेल्पर 25 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 700 USD जो कि इंडियन करेंसी में 51,296 रुपए के बराबर है। जनरल लेबर की रिक्वायरमेंट है ऐसे 70 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 650 USD जो कि इंडियन करेंसी में 47,632 रुपए के बराबर है। दोस्तों कंपनी ऑयल सेक्टर की कंपनी होगी, ड्यूटी 9 घंटे होगी, ओवरटाइम मिलेगा, फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, ECR ECNR दोनों पासपोर्ट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि इसमें वीजा के बाद ही मैक्सिमम पेमेंट रहेगा, ऑलमोस्ट सभी पेमेंट। सो जो कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से पासपोर्ट कुरियर कर सकते हैं। अगर वो प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप पासपोर्ट कुरियर कर सकते हैं और जब ऑफर लेटर आएगा उस टाइम पर यहाँ पे आके ऑफर लेटर के टाइम पर साइन करके एग्रीमेंट कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सो दोस्तों जो लोग भी उज्बेकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है कि इसमें पेमेंट आफ्टर वीजा रहेगा, ऑफर लेटर के बाद में सिर्फ थोड़ा अमाउंट रहेगा सिक्योरिटी पर्पज से ताकि कैंडिडेट ड्रॉप आउट ना हो, बाकी इसमें पेमेंट आफ्टर वीजा रहेगा। सो दोस्तों जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उनको ऑफिस में आने की अभी ज़रूरत नहीं है, आ सकते हैं, जो नियर बाई हैं वो आना चाहिए उनको, लेकिन जो दूर के लोग हैं लेकिन अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं बट आ नहीं पाते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वहाँ से पासपोर्ट कुरियर करेंगे तब हम उसमें कन्फर्म मानेंगे कि हाँ बंदा अप्लाई कर रहा है। राइट, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बिजनेस नहीं होगा, हार्ड कॉपी पासपोर्ट हमारे ऑफिस एड्रेस पर सेंड करेंगे तो उसके बाद हम उसमें अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 ईयर का प्लस रिन्यूएबल भी हो जाएगा इसलिए। और रशिया कितनी अच्छी कंट्री है, उज्बेकिस्तान रशियन कंट्री है, काफ़ी लोगों की ड्रीम कंट्री होती है जॉब के लिए, इसलिए जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैनिंग करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्क्रीन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, रेज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्लस रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्लस सैलरी स्लिप और आईडी कार्ड, ये चीज़ें अगर सबमिट करेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही प्रोफाइल स्ट्रांग रहती है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में 10th की मार्कशीट, इसके अलावा जो भी आपके बाकी के सर्टिफिकेट है, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, वो सभी चाहिए होगा। और ट्रेड वाले बंदों के लिए उनका ट्रेड सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। इसलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके आप हमारी ईमेल आईडी vimlesh@gautam@bovc.com पर सेंड करेंगे और डॉक्यूमेंट भेजने के बाद व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालना है कि आपने अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो मेंशन करके उस आईडी से आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उसमें अपना नाम, सिटी नेम, अप्लाई पोजीशन लिखने के बाद और जो कुछ क्वायरीज है वो भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों जो नंबर दिए जाते हैं आप प्लीज़ उन्हीं नंबर पर कॉल करें तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कॉलिंग का टाइम रहेगा 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, इस पीरियड में आपको डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। और इस पीरियड के बाद अगर आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन लिखने के बाद में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। दोस्तों आज के टाइम पर मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, 98-99% लोगों को रिप्लाई जा चुका है, इसलिए आप लोगों से निवेदन कि आप जिन नंबर्स पर, जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करता हूं, आप उन्हीं नंबर्स पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। होता क्या है, कई लोगों के पास मेरा नंबर सेव होता है और वो मुझे कॉल करते हैं या मेरे नंबर पर मैसेज करते हैं, तो दोस्तों जब मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं कि आप उस नंबर पर कॉल करके जानकारी नहीं लीजिए, आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर होगा, क्योंकि जैसे आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है वैसे हमें भी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। इसलिए दोस्तों जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है प्रॉपर तरीके से कॉपरेट करेंगे, क्योंकि इसमें म्यूचुअल कॉपरेशन के हिसाब से ही मिस प्रोसेस काफ़ी हेल्दी होती है। वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।